कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक दिन पहले शुक्रवार को जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और केंद्र सरकार सो रही है, खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। राहुल के इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन पर दिए गए बयान के बाद राजनीति इस कदर गर्मा गई है कि बीजेपी लगातार बयान के बहाने राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि राहुल का बयान जवानों का मनोबल तोड़ने की कोशिश है। आज भारत जोड़ो यात्रा का 102वां दिन है। राहुल गांधी आज कालाखो गांव से रवाना होकर करीब 13 किलोमीटर चलने के बाद सिकंदरा पुलिस थाने के पास लंच ब्रेक लेंगे। इसके बाद करीब 3:30 बजे पीछू पाराटोल से रवाना होकर 9 किलोमीटर चलने के बाद बांदीकुई में मुकरपुरा चौराहा पहुंचकर रुकेंगे। राहुल गांधी यहां नाइट स्टे करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन और राज्य सरकार के कार्यकाल के भी 4 साल पूरे होने के मौके पर राहुल गांधी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका आज उद्घाटन किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।